सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का व्लॉग अपन चालू करते हैं, अभी बजे सवेरे के 10। सो चलो देखते हैं आज दिन में क्या क्या हो सकता है। सो जो होगा मैं रिकॉर्ड करूंगा। सो पहले अपना ब्रेकफास्ट लेंगे और उसके बाद अपना डे चालू करेंगे। तो चलो पहले ब्रेकफास्ट के लिए। सो राइट नाउ मुझे कॉल आया कि जो मैंने एसी मंगाई थी, मैंने आपको बताया नहीं शायद। सो मैंने नियर अबाउट 10 से 11 दिन पहले एसी ऑर्डर की थी फ्लिपकार्ट से, तो वो 25 तारीख को ही आ गई, लेकिन इसको इंस्टॉलेशन नहीं हुआ था क्योंकि वो लॉकडाउन की वजह से इशू आ रहा था। तो फाइनली आज उनका कॉल आया एलजी की तरफ से कि हम इंस्टॉलेशन के लिए आज आ रहे हैं, तुम मतलब जो भी तैयारी तुम्हारी है तुम करके रखो, मतलब आज पॉसिबल है तुम्हें भी। सो हाँ, तो हमने कहा कि हाँ आज हमारे यहाँ इंस्टॉलेशन हो सकता है, आ जाओ तुम। और जो जो इक्विपमेंट एक्स्ट्रा लगते हैं ना, वो भी मैंने मंगा लिए, मतलब एसी स्टैंड और उसका प्लग इन लगता है शायद, तो वो सो हमने सब मंगा लिया था। तो अभी आज आएंगे वो देखते क्या है। सो हमने डिसाइड किया कि पहले हम जो इंडोर यूनिट है वो बिठा लेंगे और उसके बाद आउटडोर का सोचेंगे। सो अभी इसे निकालेंगे कि इंडोर में क्या क्या होता है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार मतलब पहले सेटअप के तब नहीं था एसी के घर पे। सो अभी इस बार समझ में आएंगे क्या क्या रहता है। सो इसमें जो इंडोर यूनिट है वो, और उसके साथ रिमोट दिख रहा है नीचे, वो रिमोट है, और उसकी इंफॉर्मेशन का यूज़र मैनुअल था साथ में। सो यही ये इंडोर, मतलब सभी सेम ही रहते हैं इंडोर सभी एसी के। सो ये इंडोर, तो उसके अभी हम ये जो पीछे का रहता है ना, तो उस पर लगाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया मुझे कि जो स्टील का दिख रहा है ना पीछे का, सो उस पर पहले फिटिंग करते हैं। सो उसकी फिटिंग कर लेते पहले अपन, और उसकी फिटिंग वो लोग कर रहे हैं अभी, मतलब जो होल है उसको मार्क करके फिर निकालने के बाद उसकी फिटिंग कर लेंगे वो। तो आफ्टर फिटिंग अभी पॉइंट आया कि आउटडोर यूनिट के लिए जो उसके पाइप जाते हैं ना कॉपर पाइप, तो उसके लिए ये करना है। लेकिन जो पहला हम जो अभी ये होल गिरा रहे हैं ना, तो उसमें हमें कंक्रीट का लगा। सो वो होल हमने छोड़ दिया और उसके ऊपर दूसरा होल ट्राई किया, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा आ रहा था कि ऊपर सीलिंग थी इसलिए करने नहीं आ रहा था। सो हमने और डिसाइड किया कि बाहर से करते, और बहुत हेक्टिक काम होने के बाद ये आखिरकार कंप्लीट हो गया होल का। सो होल होने के बाद जो आउटडोर यूनिट है वो हमने निकाला। तो आउटडोर यूनिट में उसके साथ जो पाइप आता है ना गैस का, मतलब कनेक्ट करने का, तो अभी उससे जाएंगे वो लेके जाएंगे और वो कनेक्ट करेंगे इंडोर यूनिट से। सो ये ऐसे इंडोर यूनिट कनेक्ट करते तो उन्होंने करा जो अभी उधर। सो यहाँ एक प्रॉब्लम रहता है लीकेज का। सो यहाँ पे अच्छी तरह से फिट करना है, क्योंकि यहाँ एक लीकेज का प्रॉब्लम रहता है और उधर एक जो आउटडोर है उधर एक लीकेज का। सो उन्होंने अच्छी तरह से उसको फिट कर लिया, और फिर वो जो इंसुलिन टेप उसके साथ आता है ना एसी के साथ, तो वो उन्होंने लगा लिया और वो फिट कर दिया। फिर आउटडोर यूनिट भी हमने फिट कर दिया उन्होंने। सो उसके बाद जो उसके पाइप है वो उससे कनेक्ट कर लिया, और जो एयर है वो पास करी, मतलब थोड़ी, मतलब जो उसके अंदर का गैस है ना वो, सो चेक कर रहे थे कि कुछ लीकेज ना हो और गैस का लीकेज ना हो। सो इसलिए पहले उन्होंने थोड़ी, मतलब थोड़ा ही छोड़ा, और उसके बाद जो उन्होंने पूरा छोड़ा। सो अभी देखो लीकेज कैसे चेक करते हैं वो लोग, मतलब जो आउटडोर यूनिट के पास लगाया वाला है ना, तो उसका वो लीकेज चेक करते हैं। इंडोर का तो अभी वो लग गया ऊपर, सो इसलिए उसका चेक नहीं करने आता, करने भी आता लेकिन जो मेरा ऐसा अंदर से नहीं था ना, तो इसलिए नहीं कर सके। सो उन्होंने अभी ये शैम्पू का फेस करके वहाँ पे डाला, और उसके बाद जो फेस पे बबल आता है ना, तो गैस लीकेज वहाँ पे समझ में आ जाता है कि ज़्यादा बबल आया, तो समझ जाना कि यहाँ पे गैस लीकेज हो रहा है। सो गैस लीकेज का भी ये काम इधर उन्होंने ख़त्म कर दिया, एंड फाइनली जो एसी थी वो चालू हो गई। तो एज यू कैन सी जो एसी का सेटअप था वो कंप्लीट हो गया। बहुत हेक्टिक काम है यार वो एसी सेटअप, मतलब दोपहर से शाम हो गई और काम तभी भी चालू था। आई थिंक 6 बजे कंप्लीट करने के लिए वो सब काम उन लोगों पर, उसकी टेस्टिंग भी की, सब ओके है अभी तक तो, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, कुछ प्रॉब्लम होगा तो 2-4 दिन में समझ में आ जाएगा गैस लीकेज और एनीथिंग मतलब हुआ तो। सो अभी हम बाद में देखेंगे। सो बात ये है कि
जो मैंने पहली एसी बुक की वाली थी, मतलब ये जो अभी ऊपर है वो, सो उसके साथ फ्री इंस्टॉलेशन था, और वो इंस्टॉलेशन वाले मतलब जो अब एसी का स्टैंड रहता है तो कंपनी बहुत महंगा लगाती है, मतलब 1000 रुपये का स्टैंड लगाती है। तो मैंने उस बार भी बाहर से लिया था, 400-500 में आ जाता है बाहर, और इस टाइम भी मैंने वैसे किया क्योंकि मुझे मालूम है कंपनी वाले तुमको बोलेंगे ज़्यादा कॉस्ट लगेंगी। सो मैंने 400-500 का मंगा लिया था बाहर से, लेकिन वो आने के बाद बोल रहे हैं कि कंपनी का लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर 400 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो फिर मैंने कस्टमर केयर से बात करी और फिर उन्होंने चार्जेस बताए नियर अबाउट 236 या 240 इंस्टॉलेशन के, वो स्टैंड के। सो अभी मैंने बोला ठीक है, अभी इतना बोल रहे हो तो जान दो, लेकिन ये गलत बात है। आप इंस्टॉलेशन करके दे रहे तो उसमें वो भी इंस्टॉलेशन आता है, लेकिन ये कंपनी वाले क्या मतलब जो सर्विस देते हैं ना वो लोग ऐसे रहते ना, वो बोलते कि करना पड़ता नहीं तो होता ही नहीं। सो ये सबसे बेकार सर्विस लगी मुझे, सभी कंपनी में ऐसा ही है, मतलब एलजी का नहीं बोल रहा मैं, सभी कंपनी में ऐसा ही है। सो ऐसा, और दूसरी बात, ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ना जो लोग है ना मैक्सिमम लोग बोलते हैं जान दो ठीक है दे दो पैसे एक ही बार लगा रहे, लेकिन ये गलत बात है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आप अपने हिसाब से अगली बार किसी ने भी एसी बैठा है तो वो देख लेना कि यार स्टैंड कितने का आ रहा है और कितने का ये। तो अभी मेरे पास से उसने इंस्टॉलेशन, ये बार इंस्टॉलेशन फ्री नहीं था तो ये बार उसने इंस्टॉलेशन के 1414 रुपये लिए, और जो ब्रैकेट इंस्टॉलेशन है मतलब जो एसी का स्टैंड उसका, तो उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट उन्होंने 236 कुछ तो भी लगाया। तो मैंने उनको बोला कि मुझे बिल होना इनवॉइस, क्योंकि आप ले रहे हो ना पैसे तो उसमें इनवॉइस मुझे चाहिए। तो अभी देखते हैं कल उसका इनवॉइस आता है या नहीं, इफ नहीं आया तो अपन कंप्लेंट डालेंगे। सो आज का ब्लॉग अपन यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।